नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं LDC वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका चयन 603 अभ्यर्थियों की सूची में और 689 अभ्यर्थियों की सूची में हुआ था और इसके माध्यम से जिन अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग अलॉट हुआ था, तो शिक्षा विभाग अलॉट करने के बाद में 603 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल अभ्यर्थियों को डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुके थे और डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के बाद में जिला स्तर पर काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो चुकी थी और उसके साथ साथ कुछ ज़िले हैं जिनकी काउंसलिंग प्रक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो उनके बारे में यहाँ पर मैं जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ कि वो प्रक्रिया कब तक और कैसे स्टार्ट होगी और उसकी सूचना आपको कैसे मिलेगी। इसके बाद में 689 अभ्यर्थियों वाली सूची में चयनित 358 अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि उनके मन में भी कई सारे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक डिपार्टमेंट से ज्वाइनिंग ऑर्डर भी जारी हुआ है, उस ज्वाइनिंग ऑर्डर के बारे में भी यहाँ पर मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं, जानकारियां हैं, वो आपको मिलती रहें। और जिन जिन डिपार्टमेंट और ज़िलों के ज्वाइनिंग ऑर्डर आ चुके हैं, तो उन ज्वाइनिंग ऑर्डर आने के साथ साथ उन्हें क्या करना है ज्वाइनिंग के बारे में, ये भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में कितने जल्दी भाग लें और ज्वाइनिंग कब तक करें, ये सब आपको यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ जान लीजिएगा कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय पाली से जो शिक्षा विभाग में LDC हैं 603 अभ्यर्थियों की सूची में, उनके लिए ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हो चुका है और ज्वाइनिंग ऑर्डर के समय आपको समस्त डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। उनके अतिरिक्त यहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट और अटैच करना है, जो कि आपने काउंसलिंग टाइम पर नहीं ले गए थे। इसके अलावा यदि आपसे काउंसलिंग टाइम पर पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो वो भी आपको ज्वाइनिंग टाइम पर लेकर जाना होगा। इसके अलावा एक और ज़िले से ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हुआ है, वो आप यहाँ देख लीजिए। पाली के अलावा यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी चूरू से भी ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हुआ है। तो इन दोनों सूचियों में जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, इन ज़िलों में जिनका चयन हुआ है, उन्हें कब तक ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर ज्वाइनिंग ऑर्डर की डेट। तो ज्वाइनिंग ऑर्डर की डेट को देख लीजिए, यहाँ पर 12 जून 2021 पाली और चूरू ज़िले द्वारा 12 जून 2021 अर्थात कल ही ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी कर दिए थे। तो 12 जून 2021 से आगामी 15 दिवस अर्थात 26 जून 2021 से पहले पहले इन दोनों सूचियों में जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें ये ज़िले अलॉट हुए हैं, वो 26 जून से पहले पहले ज्वाइनिंग ले लें। अगर वो जितना जल्दी ज्वाइनिंग लेंगे, उनके सैलरी उस दिन से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रयास करें कि आप आगामी मंडे को ही ज्वाइन करने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आप मंडे से ही ज्वाइन करते हैं, तो मंडे को ज्वाइन करते ही आपकी मंडे से ही सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। जितना आप डिले करेंगे, उतने ही दिन बाद आपकी सैलरी स्टार्ट होने वाली है। तो इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें और अंतिम मौका मिलेगा आपको कि 26 जून के बाद लेट ना हो, 26 जून से पहले पहले ही ज्वाइनिंग दे लें। अब रही बात कि बाकी ज़िलों के जो काउंसलिंग ऑर्डर है वो कैसे आएंगे, तो यहाँ पर आज एक और ज़िले का काउंसलिंग ऑर्डर जारी हुआ है बीकानेर, और इसके अलावा भी मैंने कुछ ज़िलों के जो काउंसलिंग ऑर्डर हैं वो प्रोवाइड कर दिए थे, जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है। आज बीकानेर का जो काउंसलिंग ऑर्डर जारी हुआ है, उसमें डेट दे रखी है 14 जून, अर्थात उनकी काउंसलिंग 14 जून 2021 को होगी। काउंसलिंग के उपरांत उनके ज्वाइनिंग ऑर्डर 14 को ही जारी होंगे या 15 को। ये समस्त जानकारी आपको
कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आप इन दोनों ज्वाइनिंग ऑर्डर के बारे में PDF प्राप्त करके समस्त डॉक्यूमेंट्स के बारे में देख लें, क्या कब कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन और भी लगाना है। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट से जो ज्वाइनिंग ऑर्डर आया है वो देख लीजिएगा, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर से भी 11 जून 2021 को ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हुआ था। तो इस सूची में जिन 44 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था उनमें से कुछ अभ्यर्थियों को मैंने बताया था कि जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लिए, तो कुछ अभ्यर्थियों ने 12 जून को ही ज्वाइन कर लिया। बाकी जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं वो भी प्रयास करें कि कल 14 जून को ज्वाइन करने की पूरी कोशिश करें, ताकि ज्वाइन करते ही आपकी जो सैलरी की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। और कई सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट था कि जून में ज्वाइनिंग हो जाएगी तो फ़ायदा है, तो कॉलेज शिक्षा डिपार्टमेंट के जो 16 अभ्यर्थी हैं वेटिंग लिस्ट वाले, उनकी भी ज्वाइनिंग 99% चांस है कि जून में ही हो जाएगी। और 603 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल समस्त शिक्षा विभाग के 150 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग तो जून में होना तय है। उसके बाद में 689 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल 358 अभ्यर्थी भी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दें, ताकि उनकी भी जो ज्वाइनिंग है वो जून में होने की संभावना रहे। क्योंकि संभवतया ये रहेगा कि कहीं जिलों के द्वारा 29 जून को ही ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। अगर 29 जून को ही कहीं जिलों के द्वारा ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी किया जाता है तो आप 30 जून को प्रातः ही ज्वाइन कर ले, ताकि आपकी जो सैलरी की प्रक्रिया है वो 30 तारीख से ही शुरू हो जाए। और 30 तारीख से ही सैलरी की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने के साथ साथ कई सारे अभ्यर्थियों के मन में जो इंक्रीमेंट को लेकर डाउट था तो वो भी डाउट खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो इंक्रीमेंट की प्रक्रिया है वो डेफिनेटली 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर 30 जून को दोपहर बाद अर्थात लंच के बाद अगर ज्वाइन करते हैं तो उनकी जो इंक्रीमेंट की प्रक्रिया है वो लागू नहीं होगी। अब यहाँ पर बीकानेर का जो काउंसलिंग ऑर्डर आया है उसको भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ये आज ही जारी हुआ है बीकानेर का काउंसलिंग ऑर्डर। अब इन सभी के बाद में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये समस्त जानकारियाँ कहाँ से मिल रही हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों का चयन शिक्षा विभाग में हुआ है 603 अभ्यर्थियों की सूची में, उनके ज्वाइनिंग ऑर्डर और काउंसलिंग ऑर्डर उन्हें पर्सनल व्हाट्सएप या मेल के माध्यम से मिल रहे हैं, और उन्हीं के माध्यम से जिन अभ्यर्थियों को ये ऑर्डर मिले हैं वहीं से हम प्राप्त करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहीं सारे अभ्यर्थी अगर ये प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो अपने जिला के जो DO कार्यालय हैं उस DO कार्यालय में संपर्क करके आप इस ऑर्डर को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वेबसाइट जो मैंने आपको प्रोवाइड की थी वो भले ही एक ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन किसी भी DO कार्यालय द्वारा वहाँ पर कोई ऑर्डर अपलोड नहीं किया गया है। तो इस बात की समस्या के चलते कई सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि हमारे काउंसलिंग ऑर्डर कब आएंगे, कैसे आएंगे। तो आप अपने व्हाट्सएप के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि अपना व्हाट्सएप बार बार चेक करते रहें, उसके बाद में अपना मेल ID जो कि बार बार चेक करते रहें, और हर एक कॉल का जवाब देने की कोशिश करें, ताकि आपको ये पता रहे कि हमारा जो ज्वाइनिंग ऑर्डर वगैरह है वो कब आया और कहाँ आया, और काउंसलिंग के बारे में क्या जानकारी मिली और कब शामिल होना है। अगर आप काउंसलिंग में शामिल नहीं भी होते हैं तो आपको ज्वाइनिंग मिलना तय है, लेकिन समस्या ये रहेगी कि जो अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल नहीं होते हैं उन सभी अभ्यर्थियों को रेंडमली उनके हिसाब से पदस्थापन कार्यालय अलॉट किया जाएगा और वहीं पर आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। तो 689 अभ्यर्थी वाली जो सूची है जिन 358 अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग अलॉट हुआ है उनके माइंड में जो डाउट है वो भी क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी जब फाइनल सबमिट कर रहे हैं तो फाइनल सबमिट करने के बाद में वापस से वही लेआउट शो होता है जो फाइनल सबमिट करने से पहले होता है। तो ये समस्या नहीं है, ये एक
उसका सॉफ्टवेयर है जो इस प्रकार से काम कर रहा है कि फाइनल सबमिट करने के बाद में वापस से आपको उसी स्टेप पर ले जाता है जहां पर आपने डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल की थी। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट करते हो, फाइनल सबमिट करते ही वापस आपको डिस्ट्रिक्ट चॉइस करने वाला जो लिंक है वो दिख जाता है, वो लेआउट दिख जाता है। तो आप चाहे तो दोबारा अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो उस डिस्ट्रिक्ट चॉइस की लेआउट से दोबारा कोई डिस्ट्रिक्ट आपको ऊपर नीचे करना हो तो कर सकते हैं, अन्यथा एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको बार बार परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल हो चुकी हैं। और प्रयास करूंगा कि जितने जितने ऑर्डर मुझे मिलेंगे, चाहे काउंसलिंग के हो चाहे ज्वाइनिंग के हो, मैं सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको भी मिलते हैं तो आपका प्रयास रहे कि आप उसे प्रोवाइड करें। और आज 689 अभ्यर्थियों की जो वेटिंग लिस्ट है उनके लिए एक टेलीग्राम पर ग्रुप क्रिएट किया है, तो उस ग्रुप का जो लिंक है वो आपको मैं इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो जितने भी 358 अभ्यर्थी हैं वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आपको सूचनाएँ वो जानकारी मिलने में आसानी रहे। और जितना प्रयास रहेगा मैं सभी डिपार्टमेंट की जानकारी प्रोवाइड करूंगा, सभी जिलों की जानकारी प्रोवाइड करूंगा। इनके साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरा प्रयास रहेगा कि LDC की जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है उस सेकंड वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ जानकारी प्रोवाइड करूं। उसके अलावा शिक्षक ग्रेड सेकंड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ अपडेट लेकर आऊँगा। तो जो भी अभ्यर्थी जो सेकंड वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि उन्हें जो नेक्स्ट वीडियो में जानकारी मिलने वाली है वो उनको प्राप्त हो पाए। धन्यवाद दोस्तों।